सिंगरौली में मढ़ौली के विस्थापितों ने एनसीएल जयंत परियोजना के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विस्थापितों का आरोप है कि उनको अब तक अधिग्रहण का सही मुआवजा नहीं दिया गया है। विस्थापित नेता सत्येंद्र साहू ने एनसीएल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मढ़ौली के वार्ड क्रमांक 10 का अधिग्रहण एनसीएल जयंत परियोजना द्वारा 2011-12 में किया गया था, लेकिन अभी तक सही तरीके से मुआवजे का वितरण नहीं किया गया है और जो भी मुआवजा बना है उसमें एनसीएल द्वारा 19% की कटौती की जा रही है और मुआवजे का ब्याज नहीं दिया जा रहा है। सत्येंद्र साहू ने कहा कि कुछ दिन पहले एक बड़ा आंदोलन एनसीएल के खिलाफ किया गया था जिसमें सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस को भी विस्थापितों के समर्थन में धरने पर आए थे जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई थी, लेकिन अब तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए मकान गिरा के आओ पैसा लो, मकान गिराने के बाद ये लोग कहाँ जाएगा, पानी बिना त्रस्त है, 20 मीटर में ब्लास्टिंग हो रहा है और पैसा जो है 2010 का रेट लगाया जा रहा है, 13 में नापी हुआ, 2017 में स्वीकृत राशि बांटा गया 150 लोगों को, अभी जो है कि हम लोग को मकान जो है दोबारा सत्यापन करके 2020 में मकान का पैसा आधा काट दिया गया, अब ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है ना प्लाट दिया जा रहा है। जयंत एनसीएल में मैंने फंस गया है और एनसीएल वाले हम लोग को मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मौजा घर, हम लोग का 2017 माने 2013 में माने घर फंसा गया है, नापी हुआ है, 2017 में नोटिस बना तो हम लोग का आज दिन तक मौजा नहीं दिया जा रहा है, काट के ना ले। हम लोग का मौजा काट के दिया जा रहा है और हम लोग का घर ब्लास्टिंग से पूरा टूट गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।